करीमनगर में चिलचिलाती धूप के बावजूद एक होटल की जानिब से इफ्तिताही पेशकश के तौर पर पेश की जाने वाली 1 रुपये की बिरयानी के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद एक तंग लाइन में जमा थी। हालात उस वक्त काबू से बाहर हो गए जब कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती होटल में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने जाए वकवा पर पहुंचकर होटल को आर्जी तौर पर बंद करके सूरत हाल को काबू किया। एम्पायर होटल जुमा को करीमनगर के तेलंगाना चौक के करीब गीता भवन के सामने खुला। इसकी इफ्तिताही पेशकश के तौर पर होटल इंतज़ामिया ने उन लोगों को बिरयानी फराहम करने का वादा किया जो 1 रुपये का नोट लेकर आए थे। इंतज़ामिया ने एक और शर्त भी रखी है जिसमें कहा गया है कि पेशकश दोपहर 2:30 बजे के बाद शुरू होगी और फीसर सिर्फ 1 बिरयानी फराहम की जाएगी। जैसे ही यह पैगाम व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की एक बड़ी तादाद खसूसा नौजवान इंतहाई गर्म हालत के बावजूद होटल में जमा हो गए और होटल में दाखिल होने के लिए कतार में खड़े हो गए। मेन रोड पर कई गाड़ियां बेतरतीबी से खड़ी होने से गाड़ियों की आमद और रफ्त ठप हो गई, जिसकी वजह से पुलिस ने उन गाड़ियों पर चालानात आयद किया और उन लोगों को 1 रुपये की बिरयानी पड़ गई महंगी। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।